Good morning, dear students. Welcome to Professor S.P. Goyal's IS classroom. आज मैं 3 घंटे की मेंटल एक्सरसाइज ब्रेन स्टॉर्मिंग एक्सरसाइज करके आपके लिए 15 क्वेश्चन द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस से निकाल के लाया हूँ. देखिए, ये बहुत छोटी सी न्यूज है हिंदू में. देखिए आप, इंडिया एस्टिमेटेड मिल्क प्रोडक्शन इन 2022-23 वाज 230 मिलियन टन्स. ये क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, इसलिए आपने याद रखनी, क्योंकि इंडिया का जो पोजीशन है वर्ल्ड में हाईएस्ट है मिल्क प्रोडक्शन में. एंड यूपी एज द हाईएस्ट मिल्क प्रोडक्शन फॉलोड बाय राजस्थान. बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. ये आपके प्रिलिमरी के लिए और मेन के लिए टेस्ट एंड कंटेस्ट में 10 डॉलराइजेशन सेव एन इकोनॉमी. यदि हम करेंसी को, जैसे अर्जेंटीना अपने पीसो करेंसी को बदलने जा रहे हैं डॉलर में, या इक्वेडोर में एल सल्वाडोर, इन कंट्रीज ने पहले ही बदल दी अपनी डॉलर बना दी करेंसी को, तो उसका क्या नेगेटिव इंपैक्ट आएगा, प्रोस एंड कॉन्स. ये आपका मेन का क्वेश्चन है और इसमें प्रिलिमरी भी मैंने निकाले हैं. ये इसमें से क्वेश्चन मैंने निकाला है, इक्वेडोर, पनामा एंड एल सल्वाडोर, दे आर फुल्ली डॉलराइज्ड इकोनॉमी. इन्होंने अपनी करेंसी को रिप्लेस कर दिया डॉलर से, जैसे अर्जेंटीना करने जा रहे हैं. डॉलराइजेशन कैन एक्ट एज ए सोल्यूशन टू हाइपर इन्फ्लेशन. यस, दिस इज फैक्ट. डॉलराइजेशन मीन्स डोमेस्टिक करेंसी इज रिप्लेस्ड बाई डॉलर. यस, डॉलराइजेशन विल बूस्ट एक्सपोर्ट्स. यस, ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. ये इसी आर्टिकल में देखिए, प्रेजिडेंट इलेक्ट ऑफ अर्जेंटीना जेरी मिली प्लेस टू रिप्लेस पेसो विद डॉलर. हिज एम इज टू ब्रिंग हाइपर इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल. वहां 100% से भी ज्यादा इन्फ्लेशन है, उसको कंट्रोल करना है. देन डॉलराइजेशन विल इंक्रीज परचेजिंग पावर ऑफ कंज्यूमर. नो, परचेजिंग पावर विल बी डिक्रीज्ड और इन्फ्लेशन कम आ जाएगी. परचेजिंग पावर कम होगी तो कंज्यूमर की. देन डॉलराइजेशन इन इक्वेडोर, पनामा एंड एल्वेसलो हैज बीन ए फेलियर. नो, इट इज ए सक्सेस देयर. ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. ये फाइबर ऑप्टिक्स क्या होते हैं, क्या इनके एप्लीकेशन हैं, ये आपको पता होना चाहिए. फंक्शन क्या है, ये बहुत अच्छा आर्टिकल है हिंदू में. इसमें से मैंने एक निकाला है, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद स्पेक्ट्रम ऑफ फ्रीक्वेंसीज. द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम दैट डिटरमाइंस हाउ फास्ट लाइट कैन ट्रेवल इन इट. ये मैंने इसी में से निकाली है लाइनें, जैसे एग्जाम में पूछते हैं वैसी स्टेटमेंट मैंने निकाल दी. फाइबर ऑप्टिक्स टेक्नोलॉजी हैज बीन यूज्ड इन टेलीकम्युनिकेशन, मेडिकल साइंस, लेजर टेक्नोलॉजी एंड सेंसिंग. देन फाइबर ऑप्टिक्स आर इनसेंसिटिव टू लाइटनिंग एंड बैड वेदर. इट इज नॉट सेंसिटिव, दीज आर इनसेंसिटिव. लाइटनिंग और बैड वेदर का इसमें कोई इफेक्ट नहीं होता. ये समुद्र में भी डाले जा सकते हैं, धरती के नीचे भी, कहीं भी डाल लो इनको. ओनली 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेते हैं कई बार, प्राइज पूछ लेते हैं. बड़ा इंपॉर्टेंट प्राइज है ये, 2023 का बुकर प्राइज किसको मिला और किस नॉवल के लिए मिला है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. पॉल लिंच को ये मिला है और ये प्रॉफिट सॉन्ग के लिए मिला है, याद रखना आपने, प्रॉफिट सॉन्ग. ये अवदिका एंड रोबोटिन है, यूक्रेन में है जहां रशिया ने अटैक किया है. लोकेशन जाएगी. ये बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है. देखिए, एक क्वेश्चन आपका प्रिलिमरी में और एक मेन में लेबर से रिलेटेड आ सकता है, वर्कर से रिलेटेड. ये बहुत इंपॉर्टेंट थीम है लेबर का और ये हम जनरली पढ़ते नहीं है. अब इसमें क्वेश्चन देखिए, ये रिपोर्ट आई आई एल ओ की, उसमें देखिए आगे, ए कॉल फॉर सेफर एंड हेल्थियर वर्किंग एनवायरमेंट्स. ये रिपोर्ट है, अभी रिसेंटली रिलीज हुई है आई एल ओ की, इंडियन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन. ये अब डिस्कस होगी वर्ल्ड कांग्रेस ऑन सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क इन सिडनी में होने जा रही है दिसंबर में, उसमें डिस्कस होगी. बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है. देन एक्सपोजर टू लॉन्ग वर्किंग आवर्स, दैट इज 55 आवर्स और मोर पर वीक, इज द बिगेस्ट किलर एज पर रिसेंट रिपोर्ट ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन. ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है. इंडिया हैज नॉट रेटिफाइड आई एल ओ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कन्वेंशन. इंडिया ने अभी इसको रेटिफाई नहीं किया कन्वेंशन को. सेफ एंड हेल्दी वर्किंग एनवायरमेंट इज ए फंडामेंटल राइट. ऑल द फोर स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. अभी ऐसे भी पूछ लेते हैं, डिजीज पे कई बार आ जाता है ये मेसोथेलियमा, ये एस्बेस्टोस से काज होती है, इटाइटाई कैडमियम से, मिनामाटा मरकरी एक्सपोजर से होती है, एक्सेस मरकरी से, देन ब्लू बेबी सिंड्रोम, ये एक्सेसिव नाइट्रेट्स इन ड्रिंकिंग वाटर. सो 2 स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग
टू आर करेक्ट। ये आईएलओ की रिपोर्ट मैं आपको ये बता रहा था, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्यूपेशनल रिस्क फैक्टर वाज द बिगेस्ट नंबर ऑफ एट्रिब्यूटेबल डेथ्स इन वर्कर अकॉर्डिंग टू रिसेंट आईएलओ रिपोर्ट। ये लॉन्ग वर्किंग आवर्स, दैट इज 55 आवर्स मोर पर वीक, वो सबसे ज्यादा किलर है लेबर में, सबसे ज्यादा डेथ इसी से होती है। अब ये हिंदू में एक स्पॉटलाइट पे आर्टिकल है, इरुला ट्राइब पे, इरुला ट्राइब ऑफ तमिलनाडु आर एक्सपर्ट इन स्नेक विनोम एक्सट्रैक्शन एंड रोडेंट मैनेजमेंट। ये सदियों से चलता आ रहा है, इनका ये प्रोफेशन है। ये स्नेक के विनोम को एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसको फिर उससे जो है यही एम्प्लॉयमेंट का इनका सोर्स है, एंड रोडेंट मैनेजमेंट, रोडेंट को कैच करते हैं। देन दे कैच एंड एक्सट्रैक्ट विनोम ऑफ बिग फोर स्नेक्स। कई बार ये पूछ लेते हैं ये बिग फोर स्नेक कौन से हैं, ये बिग फोर के नाम से स्नेक्स हैं। इसमें चार हैं, रूसल वाइपर, सास्केल्ड वाइपर, कॉमन क्रेट एंड स्पेकल्ड कोबरा। देन एंटी स्नेक विनोम सीरम इज यूज इन मेडिसिन, हमेशा शॉर्टेज में रहता है ये, जब स्नेक बाइट में काम आता है, एंटी स्नेक विनोम सीरम इसी से बनता है। देन WHO लिस्टेड, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लिस्टेड स्नेक बाइट एंड विनोमिंग एज द हाइएस्ट प्रायोरिटी नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज। ये स्नेक बाइट जो है इसको नेग्लेक्ट किया गया, और इंडिया में जो है ये सबसे ज्यादा है, हाईएस्ट है वर्ल्ड में, इंडिया में जो स्नेक बाइट से डेथ है जो। देन ये देखिए कैंपेन मेक्सिको में चला गया, इस कैंपेन का नाम पूछ लेते हैं प्रिलिमरी में एक बार। ये जन इंडियन एक्सप्रेस में एक्सप्लेन पेज पे है कि टू कंजर्व एक्जोलोट्स एंड जेन एंडेंजर्ड फिश लाइक टाइप ऑफ सलमेंडर है ये, मेक्सिको में इसका कंपेन चला गया है, ये कई बार पूछ लेते हैं इंटरनेशनल न्यूज में। देन ये एग्रीकल्चर पे एक आर्टिकल बड़ा इंपॉर्टेंट, ये आपने सभी ने पढ़ना है, इसमें जो पिक्चर दी गई डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग विज द फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन द वर्ल्ड, ये दिखाए गए हैं। और इसमें जो है बहुत सारे क्वेश्चन निकलेंगे, लेकिन मैंने एक क्वेश्चन निकाला है जो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। यूरिया फर्टिलाइजर जिसमें नाइट्रोजन होती है, वो प्लांट की ग्रोथ के लिए, जो ग्रीन कलर प्लांट का होता है, ब्रांचेज आती है वो उसमें काम आता है। जेन DAP फर्टिलाइजर, डाई अमोनियम फर्टिलाइजर है, ये कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर है, इसमें दो न्यूट्रिएंट होते हैं, एक नाइट्रोजन एक फॉस्फोरस, दोनों एसेंशियल है, और ये एनकरेज करता है रूट डेवलपमेंट प्लांट्स की। देन म्यूरेट ऑफ पोटाश, ये क्वालिटी ऑफ ग्रेन्स, प्रोड्यूस की क्वालिटी एंड रेजिस्टेंस टू पेस्ट एंड डिजीज इन प्लांट्स। ये तीनों स्टेटमेंट ठीक है, ये कई बार पूछ लेते हैं, और NCERT किताबों में भी लिखा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और ये तीनों ही फर्टिलाइजर देखिए आप, तीनों फर्टिलाइजर इंपोर्ट होते हैं, इनमें से दो फर्टिलाइजर ऐसे हैं जो इंपोर्ट भी होते हैं और डोमेस्टिक भी प्रोडक्शन है। यूरिया एंड DAP हमारा इंपोर्ट भी करते हैं हम, डोमेस्टिक प्रोडक्शन भी है। देन म्यूरेट ऑफ पोटाश 100% हम इम्पोर्ट करते हैं। देन NPK एलिमेंट्स आर एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट, नो दे आर एसेंशियल बट दे आर मेजर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ज्यादा मात्रा में चाहिए इसलिए माइक्रो कहते हैं इनको। सो ओनली 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ये कंबाला पे कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, कंबाला के फेलोरेश पे, ये देखिए आप, ये कंबाला इज ए फोक स्पॉट ऑफ फेलोरेश इन कोस्टल कर्नाटका, दिस इज ए ट्रू स्टेटमेंट। जिस तरह जलीकुट्टी तमिलनाडु में है, ये कंबाला कर्नाटका का है। द सुप्रीम कोर्ट एंड द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका रिसेंटली बैंड कंबाला फॉर फंडो, तो सुप्रीम कोर्ट बैंड इट बट गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका इट पास द लेजिस्लेशन देन इट वॉज ओपन। सो अगेन इट द पिटिशन इज इन द सुप्रीम कोर्ट वेदर इट इज टू बी बैंड और नॉट। देन कंबाला इज होस्टेड इन सिलोजी फील्ड आफ्टर हार्वेस्टिंग ऑफ पेडिगस, द हाइट टू विच वाटर स्प्लैशेज डिटरमाइन द विनर ऑफ कंबाला। कंबाला जो ये कर्नाटका का है और जलीकुट्टी तमिलनाडु का है, इसमें ये दोनों स्टेटमेंट गलत है। बोलो काल ट्रेस ये महाराष्ट्र पंजाब हरियाणा ये सब उसमें होती है। देन विच स्टेट वॉज फाइंड ₹300 करोड़ बाई नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल फॉर फेलिंग टू कर्ब इलीगल कोल माइनिंग। ये रेड कोल माइनिंग होती है मेघालय में, बड़ी कॉमन है वहाँ पे, उसमें जो है ये NGT ने फाइन किया था मेघालय पे। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, उस पर मैंने रोजाना 10 क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट न्यूज मेन एग्जामिनेशन के लिए, और 10 क्वेश्चन आपके प्रिलिमरी एग्जामिनेशन के लिए, सिर्फ 2 मिनट का मॉक टेस्ट होता है, वो बहुत ही सिंपल है लेकिन बड़ा ही यूजफुल आपके प्रिलिमरी के लिए। तो आपने ज्वाइन करके वो रोजाना अटेम्प्ट करना है और देखना है अपना स्कोर कितना आता है। और इस वीडियो को आप
बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।